हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम cos ऑफ at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने वाले हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो ये इक्वेशन है ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये L ऑफ f ऑफ t क्या बताता है? ये बताता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यही सिंबल को हम f ऑफ s की तरह से भी लिख सकते हैं। f ऑफ s भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये सिंबल भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो दोनों में से कोई भी एक सिंबल हम यूज कर लेंगे। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस st f ऑफ t dt के बराबर। अब न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है? कॉस ए टी, ठीक है, जहां पे ए जो है वो कांस्टेंट है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी लिख देंगे, उसका ये इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, लिख लिया, ठीक है। अब हमें एफ टी की क्या वैल्यू दी है? कॉस ए टी, तो यहां पे लिख लिया हमने कॉस ए टी, यानी हम ढूंढेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? कॉस ऑफ ए टी का, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी एज इट इज लिख लिया। एफ ऑफ टी क्या है? एफ ऑफ टी है कॉस ऑफ ए टी, तो वो लिख लिया डी टी, ठीक है। अब इसे यू इंटू वी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो जिससे करके एक शॉर्टकट हमें पता है कौन सा, कि अगर हमारे पास e रेस टू ए टी कॉस बी टी डी टी का अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसका आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन का e रेस टू ए टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट ए कॉस बी टी प्लस बी साइन बी टी। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये भी कुछ कुछ इसके जैसा लग रहा है, ठीक है। और यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो a का वैल्यू है ये a का वैल्यू हो किसके बराबर है? माइनस s के बराबर है, ठीक है। और ये जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू किसके बराबर है? b का वैल्यू a के बराबर है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे इसके हिसाब से, तो ई रेस्टू ए टी, ई रेस्टू ए टी एज इट इज लिख लिया, तो ई रेस्टू माइनस एस टी, ई रेस्टू माइनस एस टी एज इट इज लिख लिया, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है नीचे, तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। बाद में क्या है? a है, तो हमारा a क्या है? माइनस s है, तो माइनस s लिख लिया। कॉस बी टी, बी क्या है? a है, तो कॉस ए टी लिख लेंगे। प्लस साइन b क्या है? a है, तो यहाँ पे a लिख लिया। साइन बी टी, बी क्या है? a है, तो यहाँ पे साइन ए टी लिख लिया, ठीक है। और लिमिट दे देंगे लोअर और अपर, जीरो और इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो कैसे करेंगे? पहले तो टी की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट अगर रखते हैं तो ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? जीरो, तो ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट पूरा जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे मैंने जीरो सीधा लिख दिया है। माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी अब टी की जगह जीरो रखेंगे, तो टी की जगह जीरो रखते हैं तो ई रेस टू जीरो हो जाएगा, ई रेस टू जीरो, ठीक है। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, और टी की जगह यहां पे जीरो रख दिया, यहां पे भी टी की जगह जीरो रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीरो। अब ई रेस टू जीरो का क्या होता है? ई रेस टू जीरो का यहाँ पे लिख लेता हूं, वन का वन होता है, तो ई रेस टू जीरो वन लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे जीरो है तो क्या हो जाएगा? कॉस जीरो, यहाँ पे जीरो है तो ये साइन जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये जीरो चला गया तो माइनस वन अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। अब कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? वन होता है, तो कॉस जीरो वन, तो बचा क्या? माइनस एस। प्लस साइन जीरो का वैल्यू कितना? साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू ए जीरो हो गया, ठीक है। एक और स्टेप लिख लिया है, ये प्लस जीरो निकाल के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये किसका आंसर मिला? ये आंसर हमें मिला लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? कॉस ए टी का।